नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी शर्मा हूँ। मैं रंगटा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पर 80% लोगों में पाई जाती है, कमर का दर्द और गर्दन का दर्द। पहले ये समस्या यूजुअली बूढ़े लोगों में पाई जाती थी जो उम्र के साथ बढ़ती थी, लेकिन आजकल यंग लोग भी समस्या का शिकार हो रहे हैं। ज़्यादातर इसका कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। तो इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें अपने स्पाइन को सीधी करेक्ट पोजीशन में रखना चाहिए। हमारे बैठने के गलत पोस्चर्स, जो हम झुककर बैठते हैं या मोटा पिलो यूज करते हैं या फिर बार बार झुकते हैं, स्पाइन को झुकाते हैं, उससे ये समस्या बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए हमें मोटा पिलो यूज नहीं करना चाहिए, या तो पतला पिलो यूज करें या फिर ना यूज करें, या और हार्ड सरफेस पर सोना चाहिए। ये थोड़ा हार्ड सरफेस पे सोना चाहिए, चारपाई पर या फिर ऐसे गद्दे जिस पे बैठने से दब जाते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने स्पाइन को बेंड नहीं करना है, हैवी वेट नहीं उठाना है, और इसके अलावा हमें रेगुलर लाइट एक्सरसाइज का यूज करना चाहिए, एंड योगा अगर हम कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है स्पाइन के लिए। इसके अलावा आजकल लोगों में मोबाइल देखने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई है, और उस वो गर्दन को झुकाकर लगातार मोबाइल देखते रहते हैं। इसकी वजह से नेक में पेन और स्पॉन्डिलाइटिस का खतरा बढ़ गया है। इसको कम करने के लिए हमें अपनी गर्दन को झुकाना नहीं है और मोबाइल को आंखों के बराबर लेवल पर लाकर ही यूज करें।